गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर 16, राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा, राइमिंग वर्ड्स लिटरेचर में भी रहते हैं, पोयम में आपके। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। सिमिलर साउंडिंग, जो सिमिलर साउंड करें, मतलब जिनको हम रीड करें, जब हम पढ़ें तो उनका जो साउंड हो वो मिलता जुलता, सिमिलर मतलब मिलता जुलता हो, वो कहलाते हैं हमारे राइमिंग वर्ड्स। और ये राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? लास्ट वाले वर्ड्स जो होते हैं ये हमारे मिलते जुलते होते हैं, स्टार्टिंग के नहीं होते, जो लास्ट वाले लेटर्स होते हैं वो हमारे मिलते जुलते हैं, वो होते हैं हमारे राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। रीड द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स, ये जो वर्ड्स के सेट दिए हुए हैं इनको पढ़िए। एट, अब देखिए एट लिखा है, एट के कितने सारे राइमिंग वर्ड्स लिखे हैं, पिक्चर भी बनी हुई है, कैट, बैट, हैट। अब देखो सब मिलते जुलते हैं ना, सब में एटी 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 है तीनों में, कैट बैट हैट। हैन, टेन, पेन, देखो लास्ट वाले वर्ड्स मिल रहे हैं ना। टिन, पिन, बिन, इन, इसमें क्या राइमिंग वर्ड, इन दिया हुआ है, इन और इन सब में आ रहा है ना, टिन, पिन, बिन, यानी कि जो लास्ट वाले हमारे वर्ड्स जो मिलते जुलते हैं वही होते हैं हमारे राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट पेज, सन, बन, गन, किंग, सिंग, रिंग, कप, टप, रब, गेट, डेट, मेट, देखो सब मिलते जुलते हैं, लास्ट वाले अल्फाबेट्स सब में मिल रहे हैं। तो जो मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनंसिएशन लास्ट में क्या होता है, मिलता जुलता है, वो होते हैं हमारे राइमिंग वर्ड्स। सर्कल द वर्ड विच इज नॉट राइमिंग विद अदर्स, एक्सरसाइज वन। एक्सरसाइज वन में क्या करना है, सर्कल करना है उन वर्ड्स में जो राइमिंग वर्ड्स नहीं है दूसरे से, राइमिंग वर्ड्स यानी मिलते जुलते, जैसे क्राई, ट्राई, डाई, मिल रहा है ना बोलने में, साउंड मैचिंग कर रहा है, क्राई, ट्राई, डाई। लेकिन पिल, पिल क्या है, तीनों से एकदम ऑड है, अलग है, तो उसमें सर्कल है। टू नंबर पे नेल, रेल, पेल, पब। अब पब, पब आपका क्या है, राइमिंग वर्ड नहीं है ना, क्योंकि रेल, नेल, पेल तो मिल रहा है लेकिन पब नहीं मैच कर रहा है, ऑड है, तो पब में आप सर्कल करेंगे। मग, कैट, जग, रग। अब देखिए मग, जग, रग, ये तो राइमिंग वर्ड है, मिल रहे हैं ना इनका साउंड, मग, जग, रग। लेकिन कैट, कैट क्या हो गया, एकदम डिफरेंट हो गया, अलग हो गया, कैट में सर्कल करोगे। रोज, बोट, कोट, गोट। अब इसमें रोज, बोट, कोट, गोट, ये तो मिल रहा है लेकिन रोज, रोज आपका राइमिंग वर्ड नहीं है, इन बाकी के वर्ड से नहीं मैच कर रहा है, तो रोज आपका राइमिंग वर्ड नहीं होगा। फाइव नंबर, लैम्प, रैम्प, कैंप, बिन। अब देखो लैम्प, रैम्प, कैंप तो मिल रहा है लेकिन बिन क्या है, सबसे अलग है, तो बिन हमारा राइमिंग वर्ड नहीं होगा, बिन में हम सर्कल करेंगे। एक्सरसाइज टू, मैच द राइमिंग वर्ड्स। अब देखिए इसमें मैच करना, जैसे रोप, रोप को किसे मैच किया, स्लोप से, मिल रहा है ना। कैप, कैप को किसे मैच करोगे, बेन, टॉल, हेल, स्लोप, होप, टिप, डार्क, टैप, तो कैप, कैप को किसे मैच करोगे, टैप। टेन, टेन, अब देखो जिसकी स्पेलिंग में लास्ट में ई एन आए, किसमें आ रहा है, ए नंबर बेन में, तो टेन को मैच करोगे बेन से। बॉल, अब बॉल का देखो जिसकी स्पेलिंग में लास्ट में ए डबल एल एल, बॉल, टॉल, बी नंबर। बार्क, डार्क, वेल, हेल। टॉप, टॉप को किसे मैच करोगे, हॉप, लास्ट में ओपी मैच कर रहा ना। लिप, टिप, बहुत इजी है राइमिंग वर्ड्स। एक्सरसाइज थ्री, राइट एट लीस्ट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द गिवन वर्ड, सी द एग्जाम्पल। देखिए इसमें क्या करना है आपको, राइट एट लीस्ट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स। कहा गया कि इसमें कम से कम आपको दो राइमिंग वर्ड्स लिखने, वैसे इसमें फोर फोर का कॉलम दिया हुआ है लेकिन कहने कम से कम आपको दो तो लिखने ही लिखने हैं, लेकिन आप चार भी लिख सकते हो, जैसे फर्स्ट वाला आपने किया हुआ है, मैप, कैप, टैप, लैप, क्लैप। इसी तरह पेन, अब पेन का आप क्या लिखोगे, पेन, बेन, हैन, और कौन सा होगा, पेन हो गया, बेन हो गया, हैन हो गया, और आप क्या लिख सकते हो, बेन, पेन, हैन, टेन। सो दिस इज योर होमवर्क, दिस एक्सरसाइज इज योर होमवर्क।